नमस्कार जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है धनु राशि के लिए मई 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 9 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि धनु है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर आपका जन्म 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके धनु राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों धनु राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह के ट्रांजिट से। गुरु ग्रह का भ्रमण आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आपके राशि के अधिपति हैं, आपको कमांड करने वाले ग्रह गुरु हैं। तो गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो शनि और मंगल के साथ है। धनुष स्थान के अंदर, कुटुंब स्थान के अंदर गुरु नीच राशि में चलने वाले हैं। जो चलेंगे मंगल और शनि के साथ अपनी नीच राशि के अंदर तो क्या होगा? पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर में डिस्टर्बेंस आ सकता है। आँख कान नाक दांत इत्यादि अंगों का भी आपको विशेष केयर करना होगा क्योंकि धनु स्थान के अंदर आपके शनि और मंगल का अंगारक योग बन रहा है। तो लग्नेश होकर गुरु धनु स्थान के अंदर अच्छा है तो एक हिसाब से गुरु आपके लिए फाइनेंस में बेनिफिट करने वाले भी बनेंगे। हालांकि फाइनेंस का रिक्वायरमेंट आपका बड़ा हो जाए कुछ और आप उसको कैच ना कर पाओ, ऐसी कोई परिस्थिति के कारण आप अनसेटिस्फाइड सिचुएशन महसूस करेंगे। तो गुरु की जो दृष्टि होती है ये बहुत शुभ होती है जो कि आपको रोग शत्रु पर विजय करने वाली बनेगी। मामा एवं मौसी की ओर से आपको बेनिफिट मिल सकता है। आयुष्य बल में गुरु वृद्धि करने वाले बनेंगे और बिजनेस में, करियर में धीमी गति से ये आपके प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे। पिता का भी लाभ रहेगा, पिता से कैरियर में प्रोग्रेस होगा क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है ये बहुत शुभ होती है। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो कुछ इस प्रकार है। सूर्य 14 मई तक मेष राशि के अंदर चलने वाले हैं जो आपकी राशि से पंचम स्थान में होंगे। तो पंचम स्थान में चलने वाले सूर्य आपके लिए मध्यम फलदायी माने जाएंगे क्योंकि भले ये सूर्य की उच्च राशि है लेकिन पंचम स्थान के अंदर, पंचम स्थान जो है ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का स्थान है। यहाँ पर से जब जब भी कोई भी उग्र ग्रहों का ट्रांजिट होता है तो संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। मित्रों के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है, आपको संतानों के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है क्योंकि पंचम स्थान में एक तो आपके अंगारक योग भी बनेगा। पंचम स्थान में मंगल की दृष्टि होगी सूर्य के ऊपर। हालांकि जो मंगल की दृष्टि है वो 4 मई तक ही है, मंगल बदल जाएंगे 4 मई से, मंगल चलेंगे फिर कुंभ राशि में। तो फिर भी जब जब भी कोई भी उग्र ग्रह पंचम स्थान में से जाते हैं तब तब ये स्ट्रेस टेंशन संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन बढ़ाने वाले होते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि करने वाले जातकों के लिए समय शुभ नहीं होगा और मित्रों के साथ आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा। 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे शाम को 5:18 पर इंडिया टाइम पर, तो इसको बोलेंगे वृषभ संक्रांति। वृषभ राशि में जाने वाले सूर्य को वृषभ संक्रांति बोलेंगे। तो ये संक्रांति में जो शाम को होगी 5:18 को, तो संक्रांति का जो पुण्य काल है वो दोपहर में 12:30 से लेकर सूर्य अस्त तक रहेगा। संक्रांति काल में किए गए दान पुण्य मंत्र का विशेष शुभ फल मिलता है और इसमें आपको खास करके
सूर्य दर्शन करना है, गाय को गुड़ खिलाना है, सूर्य का मंत्र करना है, ये सब कुछ आप कर सकते हो, या तो अपने इष्ट देव देवी का ध्यान मंत्र कर सकते हैं, तो उसका आपको विशेष शुभ फल मिलता है। तो वृषभ में जाने वाले जो सूर्य हैं 14 मई से आपकी राशि से छठवें स्थान के अंदर चलेंगे, जो कि आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। तो खर्च आपके बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य मंगल की घर में दृष्टि करेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। तो सूर्य का फल 14 मई के बाद आपको सरकार से लाभ करवाने वाला होगा, पिता से लाभ करने वाला होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होगा। तो सूर्य शत्रु भाव में शत्रु विजय योग करके आएंगे, और 14 मई के बाद सूर्य वैसे पंचम स्थान में भी इतने बुरे नहीं है, लेकिन संतान रिलेटेड चिंता टेंशन थोड़ा आपका बढ़ सकता है। 14 मई के बाद सूर्य आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल 4 मई तक मकर राशि में है, धनस्थान के अंदर। 4 मई तक वाणी के स्थान के अंदर, धनस्थान के अंदर शनि मंगल का अंगारक योग बन रहा है, जिसके इफेक्ट के अंदर आपको वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, और साथ साथ आपको आँख कान नाक दांत इत्यादि अंगों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। मंगल 4 मई को राशि परिवर्तन करके चलेंगे कुंभ राशि में, तो ये चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर, आपके भुजाओं के ऊपर आपको नए साहस करने के लिए जोम प्रदान करेंगे। तो ये मंथ जो है मई का, ये आपके नए साहस करने के लिए बहुत शुभ समय होगा, और ख़ास करके 14 मई बाद मई के बाद का जो पीरियड है, जिसमें सूर्य छठवें स्थान में चलेंगे, मंगल पराक्रम स्थान में चलेंगे, तो 14 मई के बाद का जो समय है एक्सट्रीमली शुभ समय है आपके लिए न्यू वेंचर के लिए। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा मंगल का? मंगल का नेगेटिव इफेक्ट इस प्रकार होगा कि आपके छठवें स्थान के अंदर रोग शत्रु के स्थान के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, शत्रु विजय तो आपको करवाएंगे, लेकिन साथ साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है आपको अपने मैटरनल साइड से। मैटरनल साइड बोले तो मामा एवं मौसी की ओर से, या तो पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, एसिडिक रिएक्शन बढ़ सकता है अंगारक योग के इफेक्ट के अंदर, तो खान पान में विशेष केयर करें, अन्यथा हेल्थ वाइज थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। भाग्योदय में थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे, और रिलेशन में फादर के साथ, और विवाहित जातक है अपने मदर इन लॉ के साथ, और जॉब करने वाले जातक अपने अपर लेवल के साथ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट महसूस करेंगे मंगल के पराक्रम स्थान में चलते हुए, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके 10वें स्थान में होगी। प्रिडिक्शन में अभी बात करेंगे सबसे छोटे ग्रह बुध ग्रह के बारे में, जो वाणी के अधिपति हैं, बुद्धि के अधिपति हैं, और ये ग्रह की ट्रांजिट कैसी है आपके लिए। तो बुध ग्रह का जो भ्रमण है मेष राशि में होगा, और 9 मई से बुध वृषभ राशि में चलेंगे 24 मई तक, और 24 मई से बुध चलेंगे मिथुन राशि में, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बुध का जो पहले मेष राशि में है 9 तारीख तक, ये आपके लिए मध्यम फलदायी है, और फिर भी इतना अशुभ भी तो नहीं है। मित्रों से लाभ करने वाले होंगे, और फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा, नए मित्र दोस्त मिलेंगे, बैंकिंग सेक्टर से आपको बेनिफिट मिल सकता है, और 9 से 24 जो बुध वृषभ राशि में चलेंगे, ये आपकी राशि से छठवें स्थान के अंदर चलेंगे, जो कि आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। ये बुध का ट्रांजिट आपको मामा एवं मौसी की ओर से लाभ भी करवाएंगे, आपको एब्रॉड रिलेशन से भी लाभ मिल सकता है, एब्रॉड कनेक्शन से भी लाभ मिल सकता है, और 24 मई के बाद बुध चलेंगे मिथुन राशि में, तो राशि से सप्तम स्थान में चलेंगे बुध, तो ये ट्रांजिट राहु के साथ होगी, तो ये ट्रांजिट इतनी शुभ नहीं मानी जाएगी। मिथुन राशि के बुध जो हैं ये खास करके आपको रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन के अंदर विशेष केयर करना होगा। शुक्र का ट्रांजिट राशि से छठवें स्थान के अंदर है, वृषभ राशि में शुक्र शत्रु पर विजय देने वाले होंगे।
और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि लग्जरियस एक्सपेंसेस करवाएंगे। शुक्र जब छठवें स्थान के अंदर होते हैं तो होटल मोटल रेस्टोरेंट्स सिनेमा इत्यादि के अंदर कपड़ों के अंदर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। शुक्र पूरा मन छठे स्थान के अंदर है जो कि आपके लग्जरियस एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे और आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। तो कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा मई के अंदर, वो इस प्रकार हैं 29 और 30 अप्रैल और साथ साथ 1 मई, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कर्क राशि में। तो कर्क के जो चंद्र हैं ये राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में आपको पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा और पारिवारिक मामलों में केयर करना होगा। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 7, 8 और 9, जिसमें चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। इसमें भी आपको लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 17, 18 और 19, जिसमें चंद्र चलेंगे मीन राशि में। तो मीन के चंद्र राशि से 4थे स्थान के चंद्र बनते हैं। चौथे चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये है प्रेडिक्शन धनु राशि का मई 2020 का। यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र हैं धनु राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश।